तो सर सीलिंग फैन एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में 20 घंटा तो यूज होती है, क्योंकि हम कहीं से भी आए सबसे पहली चीज हम चालू करते हैं वो है सीलिंग फैन, क्योंकि हमको गर्मी में राहत देती है। और हर घर में ऑन एन एवरेज 4 से 5 सीलिंग फैन तो लगे ही होते हैं, उससे ज्यादा भी लगे होते हैं। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इसका सीलिंग फैन का हमारे बिजली के बिल पे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और मोस्टली घरों में ना इंडक्शन मोटर वाले सीलिंग फैन लगे होते हैं, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फैन है, जो लगभग 55 से 80 वॉट तक का पावर कंज्यूम करते हैं और थोड़ा चीप भी आते हैं, उसका बात भी सही है। और जो अभी नई टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फैन है ना, जो है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर वाले सीलिंग फैन, वो लगभग 28 से 38 वॉट तक का पावर कंज्यूम करते हैं, जो कि लगभग आधा आधा पड़ जाता है। बट ये सीलिंग फैन थोड़े चीप भी आते हैं, बट अगर मैं बोलूं तो लगभग सेम ही पड़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, स्वागत है आपका मिस्टर नो की एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 3 BLDC सीलिंग फैन, जो आपको लगभग 3 से 3.5 हजार रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। 3.5 या 3 हजार रुपए थोड़ा महंगा लग सकता है, बट जैसे मैं बोल रहा था कि ऑन एन एवरेज हर घर में 4 से 5 सीलिंग फैन लगे ही होते हैं, तो इंडक्शन मोटर वाले सीलिंग फैन जैसे मैं बोल रहा था कि ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, अगर आप उसको BLDC सीलिंग फैन के साथ कन्वर्ट करते हो तो मैं बोलता हूँ कि 150 से 200 रुपए आपको मंथली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचने ही वाला है। अगर 150 रुपए ही मैं पकड़ के चलूँ तो साल का 1800 रुपए बच रहा है। और कोई भी सीलिंग फैन आप 5 साल से कम यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हर सीलिंग फैन का ब्रांड आजकल 2 साल 3 साल के ऊपर की ही वारंटी देता है। 5 साल की वारंटी वाले सीलिंग फैन भी मिल जाएंगे आपको मेरी लिस्ट के अंदर। तो समझ लो 5 साल में आपने 9 हजार रुपए बचा लिया। और इंडक्शन मोटर वाले सीलिंग फैन में आपका कैपेसिटर का प्रॉब्लम आ जाता है कि ब्लेड जो होती है वो डस्ट रेजिस्टेंट नहीं होती है, और बहुत सारे फीचर्स है जो आपको BLDC सीलिंग फैन में मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो BLDC फैन के ऊपर बनाई है। सो दोस्तों, कोई भी सीलिंग फैन लेने से पहले आपको 5 चीजों का खास करके ख्याल रखना है, और ये 5 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी सारी कोई भी चीजें आपको पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो। पहला है ब्लेड, ब्लेड की साइज क्या है, उसकी पिच क्या है और उसका मटेरियल क्या है। ब्लेड की साइज, अगर आपका घर 75 स्क्वायर फीट या उससे कम का है तो आप 29 से 36 इंच की ब्लेड साइज वाला फैन आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका घर 75 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा मतलब 145 स्क्वायर फीट तक की है तो आप 36 इंच से लेके 42 इंच तक की ब्लेड साइज वाला पंखा आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका घर 145 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा मतलब 225 स्क्वायर फीट तक का भी हो जाता है तो 44 इंच ब्लेड साइज वाले पंखे भी आते हैं, जो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपका घर 225 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है मतलब उससे भी ज्यादा है तो 50 से 54 इंच की ब्लेड साइज वाले पंखे भी आते हैं, जो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड, जो कि है पिच। कोई भी फैन का ब्लेड देखा होगा वो स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, उसको ही बोलते हैं पिच। जो 10 से 15 डिग्री हो तो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 डिग्री रहेगी तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। अभी पिच ज्यादा होने का इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि उसका मटेरियल क्या यूज हुआ है। तो देखो, 3 टाइप के मटेरियल आजकल के फैंस के अंदर यूज होते हुए दिखते हैं। पहला है वुडन, जिसको टिम्बर वुड, जिसको प्लास्टिक के साथ कंपाउंड करके बनाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर आपको नॉइज कम आने वाली है, CMM और RPM ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये लाइट वेट होता है और इसके अंदर आपको डस्ट प्रूफ भी नहीं मिलने वाला, थोड़े महंगे भी आते हैं बट बेस्ट होते हैं। सेकंड होते हैं मेटालिक, जिसके अंदर आयरन एल्यूमिनियम बहुत सारे अलग अलग मटेरियल को कंपाउंड करके बहुत सारे मटेरियल की ब्लेड्स मिलते हैं। बट अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेटालिक ब्लेड वाले पंखे लेने वाले हो तो एल्यूमिनियम ब्लेड वाले लो, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, उस वजह से उसको रिवॉल्यूशन करने में उसको ज्यादा ऐसा जोर नहीं पड़ेगा, तो उसमें CMM RPM आपको ज्यादा मिलने वाली है। और जो तीसरे होते हैं वो है प्लास्टिक, ऑब्वियसली प्लास्टिक लाइट आती है तो उसमें डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर कौन सा प्लास्टिक का मटेरियल यूज हुआ है, तो ये चीज ख्याल में रखनी है। दूसरी चीज है वॉटेज कंजम्पशन, जैसे मैं बोला जितना कम वॉटेज होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके बिजली का बिल उतना कम आने वाला है। जो तीसरी चीज है वो है CMM, जिसको बोलते हैं एयर डिलीवरी, क्यूबिक मीटर पर मिनट, कितना ज्यादा आपको एयर डिलीवरी दे रहा है पंखा, तो इसका भी क्लियर इंडिकेशन जितना ज्यादा CMM होने वाला है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, जितना उतना ज्यादा एयर डिलीवरी मिलने वाली है। चौथी चीज है RPM, जितनी ज्यादा RPM होने वाली है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। और पांचवी चीज है एनर्जी स्टार रेटिंग, वो भी सिंपल है, जितनी ज्यादा मिलने वाली है उतना ज्यादा अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं एक पंखे को खरीदते वक्त, बट वो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो फिर भी मिल जाए तो प्लस पॉइंट है। जैसे कि उसके अंदर आपको वो इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, उसके अंदर आपको लैंप LED वाली लैंप मिल जाती है बीच में लगी हुई, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो कुछ भी हो, तो ये सारी चीज आपको एक पंखा लेते वक्त ख्याल में रखनी है।
तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों मैं पहले बता दूं ये चैनल आपके वजह से ही चलता है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन। दोस्तों बेस्ट BLDC सीलिंग फैन की हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 पे मैंने सीलिंग फैन को रखा है वो है Havells का Efficientia Neo, जो 1200 mm की स्वीप साइज ब्लेड साइज के साथ आता है, जो लगभग 48 इंच तक की आती है। ये सीलिंग फैन आपको 3000 रुपए का अभी फिलहाल मिल जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा हाईली एफिशिएंट रेटेड सीलिंग फैन है और वन ऑफ द लोएस्ट पावर कंजप्शन सीलिंग फैन है, जो कंज्यूम करता है 26 वॉट पर आर का एंड पावर कंजप्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। क्योंकि अगर हम बाकी नॉर्मल फैन देखें जो 75 टू 80 वॉट तक कंज्यूम करते हैं, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये सही में बहुत ज्यादा पावर बचाता है। और Havells दावा करता है 65% की पावर सेविंग, जो कि क्लियर दिखती है। ये एक रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है, तो मैनुअल इंटरवेंशन से आप बिल्कुल बचते हो। आप ऑटो शेड्यूलिंग टाइमर लगा सकते हो और पूरी तरीके से इसको रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हो। बात करें स्पीड की, तो 350 RPM की आपको इसके अंदर स्पीड देखने मिल जाती है, 220 CMM की एयर डिलीवरी देखने मिल जाती है और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है देखने में ये फैन। Havells आपको ये फैन के ऊपर 2 साल की वारंटी देता है प्रोडक्ट के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा हाईली एफिशिएंट रेटेड फैन है ये, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, ड्यूरेबल है और बहुत ही कम नॉइजी है, तो नॉइज भी आपको बहुत कम आने वाली है। इसके अंदर आपको 5-speed सेटिंग मिल जाएगी, जिसको आप रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी कॉन की, तो मेरे को इसके अंदर LED लैम्प लाइटिंग नहीं मिलती, LED इंडिकेटर नहीं देखने मिलता ये फैन के अंदर, ये इसका एक कॉन है। और इसका जो रिमोट है ना, इसको आपको फैन की तरफ डायरेक्ट करना पड़ेगा तभी ये सही से काम करेगा। मतलब आप कहीं भी इसको रिमोट सेंसर्स नहीं है ये फैन के अंदर, मतलब उस तरीके से, तो ये एक छोटा सा कॉन है ये फैन में। बाकी ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग फैन है, यू कैन रियली चेक आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो बेस्ट BLDC सीलिंग फैन की हमारे लिस्ट में तो नंबर 2 पे मैंने सीलिंग फैन को रखा है, वो है क्रॉम्पटन का Energion, जो आपको भी फिलहाल 3000 रुपए के करीब में मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 1200 mm / 48 इंच की ब्लेड स्वीप, जो भी बोलना है वो साइज की, आपको इसके अंदर ब्लेड देखने मिल जाती है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जी एफिशिएंट रेटेड सीलिंग फैन है, इसकी उसको आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो और इसका रिमोट सेंसर भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप इसको फैन की तरफ डायरेक्ट नहीं भी करो, कहीं भी डायरेक्ट करके करो, तो इसका सेंसर बहुत अच्छे से काम करता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये अपने लोएस्ट स्पीड पे 6 वॉट तक की पावर कंज्यूम करता है और अपनी हाईएस्ट स्पीड पे 35 वॉट की पावर कंज्यूम करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल फीचर है। अगर मैं इसको इसकी स्पीड की बात करूँ तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्पीड सीलिंग फैन है, जहाँ पर ये आपको 370 RPM की स्पीड देता है, जो आपको बाकी फैंस में देखने नहीं मिलती। 220 CMM की एयर डिलीवरी देता है और क्रॉम्पटन आपको ये फैन के ऊपर 5 साल की वारंटी देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे बड़ा प्रो मेरे को इसके अंदर लगा कि क्रॉम्पटन आपको इसके ऊपर 5 साल की वारंटी देता है और इसकी जो 370 RPM की जो स्पीड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, तो इसके अंदर मेरे को एक छोटा कॉन लगा कि इसके अंदर LED लैंप आपको देखने नहीं मिलता, LED लाइट देखने नहीं मिलती, तो ये छोटा सा कॉन है। बाकी ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग फैन है, यू कैन रियली चेक आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो बेस्ट BLDC सीलिंग फैन की हमारे लिस्ट में जो नंबर 1 पे हम लोगों ने सीलिंग फैन को रखा है वो है Atomberg का Renisa, जो आपको भी फिलहाल 3300 रुपए करीब मिल जाएगा। ये फैन के अंदर आपको 1200 mm / 48 इंच की ब्लेड स्वीप साइज देखने मिल जाती है। ये फैन बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी एफिशिएंट रेटेड सीलिंग फैन है, जो कंज्यूम करता है लगभग 28 वॉट अपने हाईएस्ट स्पीड पे, मतलब अपने हाईएस्ट स्पीड में भी ये 28 वॉट तक ही कंज्यूम करता है, जो आप लोग नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाले फैन 75-80 वॉट तक पावर कंज्यूम कर देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पावर सेविंग फैन है ये। इसके अंदर आपको इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाता है, इंटीग्रेटेड LED भी आपको ये फैन के अंदर देखने मिल जाएगी। ये फैन देता है 340 RPM की स्पीड और 230 CMM की एयर डिलीवरी, जो इसकी कॉम्बिनेशन है ना, इस वजह से इसकी RPM थोड़ी सी कम लग सकती है, बट इसकी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो रेट बहुत ही ज्यादा शानदार है।
आपको एटमबर्ग ये फैन के ऊपर 3 साल की वारंटी देता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉन्स, अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट हाई एनर्जी एफिशिएंट रेटेड सीलिंग फैन है। इससे अच्छा हाईली एनर्जी रेटेड सीलिंग फैन और इससे अच्छा ब्रांड आपको नहीं मिल सकता। इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है और मैंने मल्टीपल रिव्यूज चेकआउट किया, कोई भी मेरे को इसके अंदर कंप्लेंट्स नहीं दिखी। बाकी ब्रांड्स के मुकाबले मेरे को इसका आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही ज्यादा शानदार लगी। और तीसरा है, इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है और इसका जो CMM है वो भी बहुत ज्यादा शानदार है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसकी जो इसके अंदर एक छोटा सा ही कॉन लगा, इसका जो रिमोट की जो रेंज है वो थोड़ी कम लगी और इसके रिव्यूज में भी मैंने थोड़ी कंप्लेंट देखी इसके रेंज के रिगार्डिंग। बाकी ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग फैन है, यू कैन रियली चेक आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों ये थे मेरे 3 बेस्ट BLDC सीलिंग फैन जो आपको 3 से 3,500 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। अगर आपको सीलिंग फैन या ये वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी top 5 best ACs और top 5 best एयर कूलर वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको उसकी टेम्पलेट यहाँ देखने मिल जाएगी। सो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।